नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम की 90वीं जयंती पर बुधवार को विचार गोष्ठी के रूप में नगर के नेरुआल स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व एमएलसी अयोध्या मौजूद रहे। सर्वप्रथम बसपा जनों द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर व बसपा संस्थापक कांसीराम के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। वहीं वक्ताओं द्वारा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर बलराम ने कहा कि बसपा कार्यकर्ता गांव गांव जा रहे हैं। आज देश प्रदेश में बहुरूपियों की सरकार चल रही है, जो जनता को गुमराह कर झूठा नारा देकर राज कर रही है। इससे जनता को सजग और चौकन्ना रहना होगा। आज हम एक मसीहा की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने हमें मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया। हमें अपनी ताकत को पहचान कर इस देश का हुक्मरान बनना होगा, तभी देश में खुशहाली आएगी। देखिए, आज माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन के मौके पर हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन का संघर्ष छेड़ा, आज हम लोग ये संकल्प लेने आए हैं कि माननीय कांशीराम साहब का ये जो मिशन है, जो मूवमेंट है, जो उनका ये कारवा है, उसको हम रात दिन मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे। यही हम लोगों का उनके जन्मदिन पर ये संकल्प लेने का ये हम लोगों ने निर्णय किया है। जिस तरह से आप करेंगे उनके कांशीराम जी के विचारों को लेकर पार्टी चल रही है, और कहां चूक हुई कि उनकी विचारधाराओं से क्या पार्टी हट गई कि जो आज एकदम हाशिए पे आ गई है पार्टी, क्या कहना चाहेंगे इसके? ये आप गलत कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी आज हाशिए पर नहीं है। अभी जो 2022 का चुनाव हुआ है, उस 2022 के चुनाव में अकेले अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी, और कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में 50,000 से लेके 60,000 57,000 तक वोट न मिला हो। तो किसी भी पार्टी के पास इतना ज़्यादा वोट नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा इस देश में, प्रदेश में अगर वोट किसी के पास है, वो बहुजन समाज पार्टी के पास है और बहन कुमारी मायावती जी के पास है। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी न गिरी है, न वो कमजोर हुई है, बल्कि आप लोगों ने देखा उसके कुछ ही दिन लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में हम लोग 30% वोट हासिल किए। इसलिए हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि निरंतर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है, और हमारे कार्यकर्ता रात दिन गांव में जा कर के ये मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं से बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है। खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।